స్మోకింగ్ కాజెస్ క్యాన్సర్, స్మోకింగ్ కిల్స్. ధూమపానం క్యాన్సర్కు కారకం, ధూమపానం ప్రాణాంతకం. లిక్కర్ డ్రింకింగ్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్. మద్యపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం.
अपन किसी को ढूंढ रहा है। किसको बे? इधर बोल, किससे बात कर रहा है? उसका कोई नाम बताए क्या? छोटू चुप रहे। उसको इस ढाबे की दही कचौड़ी बहुत पसंद है। सुना है देसी घी में कचौड़ी बनाते हो तुम लोग, वही खाने आता है वो। अगर तू मेरे को उसका पता और रेसिपी बताएगा तो अपन तेरे को नई पट्टी दिलाएगा। अभी बताता है अपन। ये ले। ये क्या है? जो भी उसका पता पूछे उसे ये चिट्ठी देने बोला है। किसने? मारी। चल पढ़। ये अपुन का फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है तेरे को। 5 तक गिनने से पहले कट्टी मार ले, नहीं तो। नहीं मारा तो? तेरी अपुन को ठसा रहा है। क्यों रे लल्लू, समझे ना? अपुन को नूडल बाल बोलते हैं। 5 तक गिनती करेगा, मैं पता या फोन नंबर नहीं दिया तो ठोक देगा, लेकिन उससे पहले तेरे को डालेगा मैं। चल बता किधर है वो, अरे बोलना। अपनी मौत की गिनती तो खुद कर रहा है, मैं गिनूंगा। 1, 2, 3 के बाद 4। देख चलेगा सपने में रामपुरी चक्कू से आप उनका सीना एकदम छलनी कर डाल तो भी वांदा नहीं, लेकिन सपने को साकार करने की अगर तूने कोशिश की तो घुसा डालेगा। जो मौत से ना डरे
उसे मारना मुश्किल है। ये हमारी की पहली और लास्ट फिलोसफी है। उसे मारने की ऑलरेडी 99 कोशिशें हो चुकी है। आज सेंचुरी पूरी हो गई। डायमंड जुबली है। पब्लिक ने अलग अलग तरीके से उसको मारने का ट्राई किया लेकिन कोई फायदा नहीं। जैसे दुश्मनों की जान लेता है वैसे दोस्तों पर जान निकाल करता है। ए, सिस्टर क्या हुआ? अपन को घुस गया है। क्या घुसा? चक्कू इधर देख। दुनिया की पहली नर्स हूँ जिसे पेशेंट ने व्हीलचेयर में बैठा के उसका इलाज करवाया और फिर हॉस्पिटल का बिल भरा। मैंने एक से एक ढीठ लोगों को देखा है लेकिन ऐसा ढीठ कभी नहीं देखा। एक बार किसी ने उसके गुटके में जहर मिलाया था लेकिन वो भी फिर जहर ने जहर को काट डाला। डॉक्टर पहली बार इंसान की बॉडी पर जहर असर नहीं कर रहा इसका गवाह मैं हूँ। खंजर खोपा में गोली से मारा, यहाँ तक बिच्छू का जहर दिया लेकिन उसकी आत्मा बॉडी से चिपक गई। लोग मारने के लिए ट्राई करते रहेंगे तो हम लोग थोड़ी ना पंडित घराने से जो चुप बैठे रहेंगे। वैसे मारी एक बार माफ कर भी दे लेकिन एक बंदा है जो नहीं करेगा। मारी का जिगरी केसरी बोले तो बहुत पावरफुल है लेकिन उसकी एक टुकती रंग है कोकेन। एक टाइम पे उसके फादर का पाउडर का बहुत बड़ा बिजनेस था। क्या है ना, केसरी को दो टाइम का खाना मत दो चलेगा उसको, लेकिन कोकेन खींचने को मंगता तो मंगता ही है। और अपन का मारी बोले तो एकदम ऑपोजिट है, नशेड़ी लोग की मैयत में भी नहीं जाता मैन। रो मत बे, गीला मत हो, बापू को भूल जा। बापू है ना, बापू का बहुत कांड आउट किया रे। एक जमाने में जिसके नाम से लोग थर थर कांपते थे वही वर्धा भाई आज माला में लिपटे हुए थे। वर्धा गैंग की इच्छा थी कि मारी भाई कंपनी के हेड बने। मारी टेंडुलकर की तरह बिना कैप्टनसी के ज्यादा अच्छा मारता है। केसरी वर्धा चाचू का वारिस है और उसका छोटा भाई वल्लभ उसको सपोर्ट करेगा और आपून इन दोनों का पिल्लर है। मैं हल्के में बोलूंगा तू भारी में ले। आज से मारे जो बोलेंगे वही पहला और आखिरी ऑर्डर होगा। वर्धा भाई के मारने का सबसे ज्यादा फायदा ऑपोजिशन गैंग ने उठाया। यादव वर्धा भाई के बाद यादव को दूर रखने के लिए हम जो कुछ कर सकते थे हम करते थे। इधर मारी का रुतबा पढ़ने लगा, उधर यादव का धंधा और उसका नाम का कद छोटा होने लगा। जितने उसके सर पे बाल थे उतनी बार उसने मारी का गेम बजाने को ट्राई किया लेकिन फेल हुआ। लेकिन वो एक बात भूल गया, 100 यादव पे एक मारी भारी। ये रखना, मारी आ गया। ये काकू, अरे माला में जलता है मैन। ये कम 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 भीड़ भड़क के मैं इसे रिक्शा चलाती है, दिमाग नहीं है क्या? ये ड्राइविंग का स्टाइल अपन राउडी बेबी से ही सीखा है। ए जानू, तेरे से मिलने के वास्ते अपन चार कस्टमर को रास्ते में फेंक दिए, सारे सिग्नल तोड़ के अपने डार्लिंग से चिपकने के वास्ते चिपकली की माफिक दौड़ी चले। गंदा मक्कर छोड़। खाली पीली अपन के झूठे प्यार का ढिंडोरा पीटेगी ना तो तेरे को 30+ नाइट को जला डालेगा। मतलब अपन तेरी खुफिया लवर है, छुप छुप के मजाइज को जा रहे। निकल ले। क्या अबे लव नहीं करने की एक्टिंग मत करा, हट्टा मत बन रहे। प्यार नहीं है तो अपन को ऑटो काय को दिलाया।
ए शरी, ऑटो की दास्तान सुना रहे इसको। अरे शुरू हो जाना मैन। फंसा दिया तो ऑटो घुमाए भेजा नहीं, इसलिए हम लोग ने चंदा जमा करके ऑटो दिलाया। लेकिन मैं तो इसको नागिन बन के डसेगी। लड़की होगी नागिन का बात करता मैं। जा धंधा कर। तो प्यार से बोलना आनंदी, अब उनके दिल में तू है, मैं निकल लेगी। गलती मारेगी ना आनंदी। हाय, तेरा फिगर देख के आप उनको मिर्गी आने लगती है। हाय मारी, क्या ब्यूटी है। लव यू बेबी। तू एंट्री कर को मारी। आप उनकी डाव है मारी। ये फुलझड़ी चाहिए या एटम बम, डिसाइड कर। भेजा फटने लगा है। मारी को बारूद पसंद है। दोनों मिलकर धमाके करेंगे। चुप ना मारी। अरे जला हुआ फटाका पीछे हटना। इससे टच भी किया ना तेरी नाक फोड़ डालेगी। बेबी देख, अपन से शादी मना ले, समझा ना। तेरे सारे गंदे गंदे कपड़े धोएगी, खाना पकाएगी, सफाई करेगी, तेरी अखी लाइफ सेट कर डालेगी। पाव कहीं को खाता है। आप उनको ऐसी मजबूत घर वाली चाहिए क्योंकि आप उनके घर पे मजबूत पलंग है। और कपड़ा धोना, बर्तन मांजना तो काम वाली भी करती है। चल निकल यहाँ से। हेलो, आप उन भी ऑटो चलाती है। और ना तेरे दो फोकटियों की माफिक नल्ली नहीं है मैं। अपन को तेरा पैसा नहीं चाहिए, अपन खुद कमा के घर का राशन पानी भर डालेगी। अपन दिल से तेरे को लव करती है। अपन हाँ। ये हार का गुच्छा तेरे गले में डाल के शादी बनाएगा। तू शादी करेगी अपन से? नको। काई को? जालिम दुनिया नहीं मानेगी रे। चुप रे। आज से ये मारी ब्रह्मचारी, रिक्शा का मीटर डाउन करके घंटी मार ले। अपुन तेरी याद में ना बेवड़ा मारेगी ना टेसू भाएगी। अपनी चौखट तेरे वास्ते खुले लिए। ए ड्राइवर, ऑटो इधर खड़ा है, चल निकल चल। ओके ओके। हाथी और बगले जैसी है मैन। अब और कान मत खा, ऑटो ले और निकल। मार्ग में मिलता। आप उनके गले मत पड़, आप उनका सुरक्षा कवच है तू। चल कल्टी कल्टी कल्टी। यहाँ पे पूरी दुनिया को मारी हिला के रखता है, वहाँ पे एक कौली काली पीली ऑटो वाली मारी को हिला के चली गई। इसका कुछ करना पड़ेगा देवा। धर्म के नाम पे दंगा और औरत से पंगा, ये दोनों ही करते हैं नंगा। बी केयरफुल मैन। पूरे एरिया के लोग उससे इसलिए ठसते हैं क्योंकि वो लोगों को लगता है कि वो मिसेज मारी है, चाय के साथ खा रही है। बाय मेरे चावे। मेरे को चावे बोलती है उसकी इतनी हिम्मत? अरे अगली बार बालों को छुआना, बाल बाल नहीं बचेगा मैन। ये बच्चा उसको दे रहा था कि मेरे को? उसको दिया, आपको लगा क्या? ये औरत चले छोड़ दे, समझा? तेरी तो वजन कम हो रहा है उस लड़की की वजह से, पूरे मार्केट में तेरी जा रही है। मतलब इतना हार्ड कर रही है जो वो अपुन की मुझ पे लटकना चाहती है। मैं भी सोच रहा था उसको दिखा क्या है। अपुन का मारी लोहे की आ रही, वैसा नहीं मारी, दिल अच्छा लगा रहा है। एक बात बता बंटा, लड़की किसको लाइक करती है? नहीं, अरे जिसकी मूंछों को देख के लड़की की जुल्फों में अंगार लग जाए। हाँ ये दीवानी थी, उसकी माफी ऑटो चलाने लगी, बच्चों लोग को घुमाने लगी, और तो और शेयरिंग ऑटो की लीडर भी बन गई। लेकिन मारे के सामने आते ही भलाई कुल की माफी बिगड़ जाती है। और तो और येड़ी ने स्मगलिंग भी शुरू कर दी। बॉडी बिल्डिंग का पाउडर साहब बोल रही है ना साहब, अपन के थोपड़े से लगता है अपन गलत काम करेंगे। ठीक है निकल चल। और ये सब सिर्फ मारी को इम्प्रेस करने के लिए। साले साहब गिन ले। वो कितने भी कर ले जतन, और मारी के नाक में कर ले दम, लेकिन मारी को रसगुल्ला नहीं, गुलाब जामुन पसंद है। काजू बादाम वाला केक खाने का सही है। हैप्पी मर्डर डे मारी। हैप्पी मर्डर नहीं, बर्थडे होता है। तू तो क्रिश्चियन है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नहीं, हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द मर्डर डे मारी। देख होशियारी से रह, यादव तेरे को उड़ाना चाहता है। ए गफूर डीलर के पास जा, फट रही है तो सिलाई मार के आ जा, अपने जिगरी को कोई छूके तो दिखाए, अरे काट डालेंगे। पूछो की लाज रख ली अपने शेयर।
నీ ఆటే సాగదురో నీ పప్పు వేగదురో రౌడీల రాజా రామవాడు నీ ఫ్రెండ్షిప్ పేరు వచ్చిందా నీ కోసం వస్తాడు ప్రాణాలే ఇస్తాడు మావాడు మారి నువ్వు మంచోడివా చెడ్డోడివా తెలీదు బ్రో నాదన్నదంతా నీదే కదా ఆ బొమ్మ బొరుసై ఉందా పద స్నేహానికే రాలైపే ఫిదా నీ నీడై నీ వెంటే ఉంటా పద ఎవరి ఏరియాకు వచ్చి ఎవరికి సీన్ చూపిస్తున్నావు? చీరేస్తా. ఆహా చచ్చాం. मारी हिया पधारेगा हम कल्पना नहीं किया था. बचवा तुमको ऊपर पहुंचाने के लिए इतने लोग भेजे लेकिन तुमको डर नहीं लगा? डर तो बहुत लग रहा था. सच बोल रहा है, सच बोल रहा है. लेकिन तेरे से नहीं तो खुद से. अपना बाबू स्वर्ग में राउंड क्या मारने गया? तेरे छोकरे लोग अपने एरिया में बहुत घुस रहे, तकलीफ हो जाएंगी तेरे को. बिना तकलीफ के हम यहाँ नहीं पहुंचे. ए अपन लोगों का टाइम खोटी मत कर, सलूशन बता. चेन्नई हिंदुस्तान के नारकोटिक्स का राजधानी बन चुका है. केनिया से माल सीधा यहाँ आता था. अपना बिजनेस हमारी सेहत की तरह बिना किसी झंझट के फल फूल रहा था. तभी ससुरे कंपनी वालों ने ज्यादा कट मांगना शुरू कर दिया. कम पैसा मिलने की वजह से केनिया वालों ने अपने ही आंखें मार डाले और हमको मक्खी की तरह उड़ा दिया. केनियन गैंग का खात्मा जरूरी है क्योंकि तभी तो इन नशे के धंधे में हमारा पकड़ होगा. मारे बचवा पे हमको भरोसा है. अगर तुम लोग साथ दो तो हम तुम लोगों का जान बख्श देंगे. कथा खत्म हो गई, चले. कहा तनी फैसला तो सुनाते जाओ. देख यादव, मारी और पाउडर का 36 का आंकड़ा है. 37 का होगा तो भी हमको फर्क नहीं ना पड़ता है बचवा, बच नहीं पाओगे. भैया आप सिर्फ होठ हिलाइए, इन्हें सलाद की तरह काट के रखिए. हम चाहे तो सबका पेस्ट कंट्रोल करवा सकते हैं. कीटनाशक के बारे में सुना है? देख यादव, अपन को तेरे साथ कोई लोचा लपाचा नहीं मांगता. अरे हम तो खुद गुंडा लोगों से डरता हूँ. गैया का पुजारी हो भैया.
तेरे ढकले में भेजा वजह है कि नहीं? वो तो सुबह पेट अच्छे से साफ हुआ बोल के मूड अच्छा वरना उल्टा करके तेरे पीठ पर अंडा चोकड़ी खिलता। क्या भी? क्या पेट ले को चंदन में सुलगाऊं क्या? यादव पता था तू बीटेक्स नहीं लगा था इसलिए तेरे को खुजली होएगी। आप उन कारतूस पे बीटेक्स मलम लगा के गन में डाल के खुजली वाली जगह पे ठोक डालेगा। केसरे अपना फरमान सुना इसको, अपने को बहुत हल्के में ले रहा है। एक बार स्कूल का टाइम टेबल चेंज हो गया, अपन ने प्रिंसिपल को पेंसिल घुसा दिया। सिस्टम चेंज होएगा नहीं, जितना इलाका तेरे को दिया उतने में खुश रहे, वरना बचपन में पेंसिल घुसाता था अभी गुप्ती घुसाएंगे। चल मारे यूपी बिहार से आके अपन के ऊपर शान पट्टी कर रहे हैं। केसरी एक आइडिया आया है, समंदर के बीचों बीच एक टोल नाका बना डालते हैं। बड़े जहाज का 100 रुपया, छोटी छोटी होड़ी का 20-20 रुपया, सोचना दिन में कितना इनकम होएगा। यादव के ऑफर को लात मार के गलती तो नहीं की क्या? नहीं नहीं, उसका पंडर बन के नहीं, मेन आदमी का पता लगा लेते, फिर वो काले लोग को खुद ही जाके बेच देंगे। क्या बोला? बस क्या बच्ची, अपने को मालूम है पाउडर के धंधा नहीं करने का, तेरी टेर ले रहा था। तू टेर भी नहीं ले रहा था है ना? देख बंटा, खुद मर्सिडीज में बैठने के लिए दूसरों को पाउडर बेच के अर्थी पे लेटाना अच्छी बात नहीं है, और पैसा हाथ का मैल है, उसको कमाने के लिए ज्यादा हाथ मैला नहीं कर सकते। तुम पे विश्वास करके हमने गलती की, अपने उस बड़े भैया को भी नहीं बनवा पाए। सड़क के डॉगी जितनी तुम्हारी वैल्यू है। देख अपन ने फुल ड्राई मारा, अब इससे ज्यादा क्या उखाड़ेगा? इधर आता है तो अपन की हालत में आ जाती है, किसी ने देख लिया ना तो अपन के 44 हो जाएंगे। सोचा था कुकीन का लालच देगा तो भाई राजी होगा, पर वो मारी का पिल्ला अपन के हर एक पिलान में डांग अड़ाता रहता है। देखा बल्ला, ज्यादा चूच पड़ नहीं है तो ऊपर का रास्ता बताएंगे। ए, केनिया का सारा बिजनेस तेरे को अपुन की बदौलत मिला है, थोड़ा लिमिट में समझा ना। हमको थोड़ा थोड़ा नहीं कमाना है, एक बार में बिल्डिंग खड़ी करनी है। कैसे करेंगे बता? अच्छा चल तू बता। सिर्फ मारी में बोता है ये सब करने का। हेलो, एक और मीटिंग फिक्स करवा, फिर से कोशिश करेंगे। उसमें क्या? हेलो, ऐसा लगता है आटे में ना के आइए। किससे परमिशन लेके मारी का फोटो पोस्टर पे लगाया है? ऐसा है क्या? चल उसका परमिशन लेके आती मैं। ये थाम रहे, शेर के मुंह में हाथ डालेगी ना तो अपने हाथ से हाथ धो बैठेगी। बात तो बोलना नहीं, हम लोग ने बोला नहीं, कट कर जाएगी मैं। रहे मारे लाए क्या? उसको पटाने का तरीका बताना। अरे क्या तू इसको अपना लव गुरु कैसे बना रही है रे? 40 साल का अंकल तेरे को क्या आइडिया देगा? अपना गटर बंद कर। मर्द को औरत की जो अदा लुभाती है वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो अदा से अंदर कूट कूट के भरी है। अदा बोला पा अदा नहीं। टेंशन मत ले रहे, लड़की लुभावनी होनी चाहिए, जाल में लज्जा को नहीं मांगती है। ऐसे बात करे तो जैसे लवंग की खुशबू होनी चाहिए। समझी नहीं मैं। ये तो चलता फिरता जूस सेंटर है। गाना बोलेगा तो तेरा रस निकाल दूंगा। कंटिन्यू। मुंह से अत्तर की खुशबू आनी चाहिए। नहीं समझी? एयर फ्रेशनर जेब में रख के बात करना। मारी, जब भी मैं रात को सोती हूँ ना तो 12 फीट की सीढ़ी लगा के मेरे दिल में कड़कड़कड़कड़ उतरता है। जानता है काहे को? काहे को? क्योंकि जब से मैंने तेरे को देख लिया है मेरा दिल तुझे देखते ही बकबक बकबक बड़कने लगता है। नहीं कर अरे इस पे बहुत गंदा लगता है, तेरे पे सुपर लगे। एक्सपीरियंस है मेरे को, गोड़ी नहीं चढ़ा तो क्या हुआ? कई दूल्हे देखे? मारिया क्या? ये फोटो विदाउट परमिशन कैसे लगाया? मारी भाई ने आज तक फेसबुक पे फोटो नहीं डाला, तुम लोगों ने इधर डाल दिया। हाँ, वो भी इतना सारा डालने का बेटा, तो अच्छा डालने का था। पीछे आ जा ब्रो, वरना पहली तेरे को ही पड़ेगी। अरे ये मेरे को पोस्टर पे कौन टांग दिया रे? ए तू इधर आ रे। जैसा सिखाया था वैसे। अरे एक नंबर टीचर है। ये क्या कर रही है? देख इसकी कमर लचक है क्या? दूसरी ओर भी देख, मारी अभी फ्लैट हो जाएगा। तू जिस तरह से ऑटो चला दिया ना, आप उनको मालूम था एक दिन तो अपनी टांग तोड़ोगी। एक मिनट रुकना, याद करने दे। क्या? हाँ। अरे ये क्या बोलिंग करने वाली है?
जब भी अपन तेरे को देखती है ना, अपन का दिल झका 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 रेलगाड़ी की तरह दौड़ता है। अगर तूने हाँ बोल दिया ना, तो अपन का जो ऑटो का बिजनेस है ना, वो धड़ 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 चलने लगेगा। क्या बोलते वो? मैंने इसको क्या बोला था और ये क्या बोल रहे ली रे बाबा? क्या रे चावे, प्यार हो गया क्या? बाबा तेरा आइडिया हिट है। आज इसको मेरे से लव हो गया। गाँव का टिकट निकाल ले। पक्की है भाई, मेरे को पार्टी में उतार निकाल देते हो। अरे बस कर रहा यार, अरे मेरी तरफ से दो बार और कूट इसको। तेरे को नहीं फोड़ सकता इसलिए इनको फोड़ रहे लाऊं। सवा घंटे का टाइम है तेरे पास, एरिया में से पूरे पोस्टर निकाल डाल। मेरे दोस्तों मतलब तू लेडी ऑटो स्टैंड की ओपनिंग नहीं करेगा? ओपनिंग कर दे और हमारी क्लोजिंग कर दे, बिहार से बोलेगा तो करेगा। लगता है तुम लोगों को रिपीट टेलीकास्ट बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत पसंद है टेलीकास्ट। अल्लाह वो आएगा कि नहीं? अरे कौए की जबान सबर करना, जरूर आएगा। किसकी राह तक रहे थे? सारा माल लेकर चंपत क्यों नहीं हो गया? आप उन ट्रक के लिए नहीं आए? तो फिर काहे आए हो? मारी मारी से तुमरी का खुन्नस है। आज से 8 साल पहले एक रावड़ी को फोड़ने के चक्कर में आपन जमा हो गया। पिंजरे में घुसते ही आप उनको क्लिक हुआ कि सारे नंबर कारी मारी के फंटर है। लोग अपन के भाई को भगवान मानते थे क्योंकि वो चाबुक वकील था। कितनी बुरी तरह से तुझे मारा है बीजा, बस 2 दिन और वेट कर ले, मैं किसी भी हाल में तुझे बाहर निकाल लूंगा। और बर्दाश्त नहीं होता भैया, हमरा जेल में दम घुट जाए। ये तू क्या नाप शनाप बोल रहा है? तू ही अपन की जिंदगी और फैमिली है रे, तेरे लिए तो मैं जज से भी लड़ जाऊंगा। अपन को भाई बाहर निकालता उसके पहले ही। पता तेरे भाई को टपका डाला और अब तेरा नंबर है, एक फटके में गया वो। हमरे भैया मर गए क्या? अरे भाई पक्की खबर है। कौन मारा? मारी नाम है, बहुत बड़ा गुंडा है। फर्स्ट टाइम आपन मारी का नाम सुना। जब किसी पर जुल्म करो तो इतना करो कि वो तड़प कर मर जाए, नहीं तो उसके अंदर से एक जानवर का जन्म होता है। आप उनके अंदर से भी एक आदमखोर जानवर ने जन्म लिया। कल आप निकाला था, आज कुछ और निकाल दिया गया। ए छोड़ना, यार पुलिस भी बिल नहीं बनती और मोमबत्ती भी नहीं रखती। मौत देना चाहता है कि वो अपन को नरक में भी नहीं भूले। अब उसे बचाने के लिए जो भी आएगा वो पहले ऊपर जाएगा। उस तक पहुंचने की 2 सीढ़ियां हैं, एक तो ये पाउडर और दूसरा ये कनखजवा। बहुत भड़कीला गुस्सा है, अगर मर्द हो तो जाके मारी के पेट में चाकू घुसेड़ दो। बदले में हम तुमको इतना ड्रग देंगे जितना तुम्हारा वजन भी नहीं होगा। गुस्सा करना पाप है और गुस्से में आकर मारना महापाप, लेकिन बदले के लिए
तड़पा कर मारना पुण्य है। दिवाली में अपन पटाखे फोड़ के शोर नहीं मचाता, मौत का अनार जलाता है। अरे सात जन्म तो क्या, तू आठवें जन्म में भी मारी को मार नहीं पाएगा। कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा। डील मंजूर है तो बोल। पंच ऐसा होना मांगता है कि सामने वाला फाफड़े की तरह फड़फड़ा जाना मांगता है। क्या रे, धूप में बैठ के तुम लोग फाफड़ा और जलेबी तल रहे हो? ब्रो तेरे वास्ते पंच लाइन ढूंढ रहे है। क्या पंच लाइन दे? माथे पे आयला है मोटा फोड़ा, मारी के मुक्के ने उसको तोड़ा, मारी है पावरफुल घोड़ा। अकेला पंच मारा। अपन को घोड़ा गाड़ी को बना रहे ले रहे तुम लोग? घोड़ा गाड़ी वाला घोड़ा नहीं, आदमी घोड़ा। इस लोकल गुलजार को सुनो, दारू पीना छोड़ा मंगल को, बुधवार को फिर से शुरू कर दिया। इसमें अपन का नाम किधर है? लोचा हो गया, मैं कुछ तो लिखा था लास्ट पेज पे पेंसिल से लिखे। वो पता है ना, अपने डैड को टीच नहीं करते। वो सब छोड़ो, अभी ये वाली खास तेरे लिए। बोल बोल। If you are bad, I'm your dad. क्या बोलो? तू गायला कैसे? ट्रांसलेशन कर रहा था मैं। अपन बोलेगा ना तो ही चल चल गया। रिपोर्टिंग के साथ। इंग्लिश है ना? वापस बोल। If you are bad, I'm your dad. हाँ बोल। ये तो केजी का बच्चा नहीं बोलेगा। इसके ऊपर ट्राई मार। केसरी। हाँ। अपन इंग्लिश सीख रहे हैं ना? जरा ध्यान से सुन। If you are bad, we are your dad. कैसा लगा पंच? ये पंच है? कौन सिखा रहे तेरे को ये? ये क्या अपने फंडर लोग? नहीं नहीं, इसने लिखा है वो अपन तो स्कूल में वो मेरा अलग छोड़ी छोड़ी ये बुक अपने को इसका जरूरत है। एक छोटा सा काम है, अगर तेरे को प्रॉब्लम ना होवे तो तेरी छावी से करा लूंगी। कितना दफा बोलेगा अपन की छावी नहीं है वो? अरे अपन को मालूम है, लेकिन अगर तू हवा देगा तो वो गुब्बारे की तरह उड़ेगी ना। देख, मलेशिया से इंपोर्टेड सामान का जहाज आता है, मोबाइल चार्जर, नाने का इंपोर्टेड साबुन, गाना सुनने का ईयरफोन, बॉडी बिल्डिंग का पाउडर। देख, अगर छोकरे लोग जाएंगे तो पुलिस को शक होगा, लेकिन अगर लड़की गई ना तो मामूलों को पता भी नहीं चलेगा। तू ही जाके बोल के करा लेना बा। मारी वो उनकी नहीं सुनेगी बा, तू सिफारिश का धक्का लगा दे। सुरक्षित तो है ना? अरे बिल्कुल सुरक्षित है भाई, बच्चा भी कर लेगा। अपन की जानिब से आनंदी को बोल कि ये मारी का काम है, छोकरी हंसते खेलते करेगी, और तू जरा देखना आनंदी को कुछ हो नहीं, सेफ्टी चेक कर लेना। प्यार का झिंगुर काट गया। वो मतलब ओ, 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 उल्टा हाथ पड़ेगा ना सीधा हो जाएगा। थैंक्स बा। अपना केसरी कैसा है लाले? वो भाभी के साथ आराम करते थे। शादी के बाद आदमी औरत का पल्लू बन जाता है। महिला स्वावलंबन कमेटी की ओर से आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे शहर की नई कलेक्टर विजय चामुंडेश्वरी पधारी है, तहे दिल से उनका स्वागत। ताली ताली ताली। और इस प्रोग्राम में चार चांद लगाने के लिए आ रहे हैं इस बस्ती के फूल माला डाल रहे हैं। इतना सारा गुलाब जरूर किसी की मैयत उठा के लाया होगा, वरना गुलाब तो बहुत महंगा है। मेरा बस चलता तो अपने दिल की माला मारी के गले में कब का डाल। प्रोग्राम है काली के मारे, टमाटर अंडे होते तो अभी फेंकता, मैं तो करेला फेंकता है। लग जाता दिमाग उबल रहा है अपन का। और से अपने पैरों में खड़ी हो सके इसके लिए मारी जी उन्हें हाथ वाली सिलाई मशीन दे रहे हैं। और जो औरतें मोहल्ले में इधर उधर गिटर पटर करके बुराई करती थी उनके लिए ऑटो। अभी रविवार कार्यक्रम होगा, फिर सबको समोसे मिलेंगे। उनका भी थैंक यू। एक मिनट, तुमसे कुछ बात करनी है। दो मिनट में जितना भड़ास निकालने का ही निकाल डाल। मुझे मालूम है कि गुंडागर्दी, स्मगलिंग, इलीगल बिजनेस, इन सब में यादव, केसरी और तुम भी शामिल हो। सबकी फाइल्स पड़ी हैं। अब तक कैसे चलता रहा मैं नहीं जानती, पर अब नहीं चलेगा, मैं चलने ही नहीं दूंगी। तुम्हारे बारे में पूछो तो लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं। यही सच्चाई है, मार्केट में वसब है ब्रो। अगर तुम मदद करो तो गुंडागर्दी खत्म हो सकती है। अब इसे रिक्वेस्ट समझो या फिर वार्निंग। वार्निंग है ना मैडम। स्टेज पे मेरे परफॉर्मेंस को देख के तू बहुत फड़फड़ा रही है, उधर अपन इडली माफिक नरम था, इधर डोसे माफिक गरम है। अपने दिल में औरत लोग के लिए बहुत इज्जत है। मैडम आप है ना सरकारी कानून में बंधी हुई हो, और अपन है शेर। आप उनके लिए ना कायदा है ना कानून है, बस्ती का सुप्रीम कोर्ट है अपन। दुनिया को सुधारना है ना तो पहले खुद बिगड़ना पड़ता है।
और अपन तो छट्टी के बिगड़े हैं, मिट्टी में ही सुधरेंगे, समझे? चलता है अपन, लीवर में गुदगुदी हो रही है। तुम पुलिस को कॉपरेट करो या ना करो, गुंडागर्दी खत्म होके रहेगी। अगर साथ दोगे तो आजाद रहोगे, वरना जेल में सड़ोगे। औरत हो के मर्दों वाली बात, तुम्हारी बहादुरी को साष्टांग प्रणाम। चलता है, लेट हो गया, घर जाके सो जाए। औरत हो के अपन को डसा रही है, कानून उनके साथ है ना। ऐसा नहीं लग रहा था वो अपन के ऊपर प्यार का छिट्टा मार रही थी। इमोशन ब्रो, तेरा पेन अपुन का पेन मैन, सुधरेगा नहीं। चल आज 101 अटेम्प्ट हो गया, उसको पकड़ के लाएगा। नहीं अपुन तेरे से आगे थोड़ी जाएगा, अपन तो पीछे ही रहेगा ना। आज 101 वार हो गया भाई। चावे अपुन के इट सबने देख रहा है ना तुम? बाप रे, ये कब हुआ? ऐसा कैसे काटा? इसके ऊपर लाल तेल काहे को नहीं लगाया तू? अरे मारी के खून में शुगर आ गया था, वार लगा, शुगर वाला खून बाहर, टेंशन सॉल्व। इसको तो एकदम तेज बुखार है यार, तुम दोनों की तो ये। अगर मेरा छावा टपक गया तो किसके सहारे जिएगी अपन? हाँ मारी, अपन तेरे को रिक्शे में बैठा के हॉस्पिटल ले जाती, उधर सुई लगवा लेंगे। अपन अस्पताल नहीं जाएगा, पागल है क्या ये? सुई को देख के इसकी उई उई निकल जाती है। ऐसी बात है क्या? मारी, सुई के नाम से तेरी सुसुनी करती है। क्या बोले? सुई से आपुन को डर लगेगा, बॉडी में ड्रिल मशीन घुसाएगी तो वो भी टेढ़ी हो जाएगी। चल भाग यहाँ से। चल ठीक है, सुई कोई नहीं लगाएगा, तू बस अपुन के साथ हॉस्पिटल चल। क्या कर रहा है? हवा का मलम लगाया। पूरा बॉडी चेकअप कराना होगा। हाँ सिस्टर। हाँ। मारी को लोहे से एलर्जी है, पित्तल का इंजेक्शन घुसेड़ना। अच्छा छाली बेटा, छाली इंजेक्शन खिलाया, अभी चॉकलेट खिलाऊंगा। चल चल चल। धोखा मारना है तो ऊपर मारा, अपुन नीचे नहीं लगवाएगा। एक 30 ml मार ले, सुई का दर्द पता ही नहीं चलेगा। हेलो, ये इंजेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, कूले पे लेना पड़ेगा। शर्मा मत मारी, कमरे में सीसीटीवी नहीं है, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होना मांगता है। देख देखो डर लग रही है तो अपुन का हाथ पकड़ ले तू। पैर तो अपन ने पकड़े लाई है। मारी 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 आगे बंद करो, मारी बहुत ज्यादा टाइट हो गया। ब्लड टेस्ट, स्कैन, फुल चेकअप किया है, कल रिजल्ट लेके जाना। भाई को फुल मार्क्स देना। बेटा मारी, तुमको इंजेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग वाला दिया है, चक्कर आ सकता है, संभाल के जाना। हेलो, आपुन ढीट क्वालिटी है, दवा को दारू के साथ खाएगा तो चक्कर क्या, चक्कर के बाप को भी चक्कर आ जाएगा। अपुन का छावा सपने में ही मिलता है। बाहर से तो बहुत रफ एंड टफ है अपना छावा, पर दिल एकदम मोम माफी के। अपना भाई मोम नहीं, मोम बत्ती आज जला देगा। तेरे को एक बात बता, जब प्यार होता है ना तो चींटी के माफिक काटता है, लेकिन तू खटमल वाला काम मत कर। अपने पूरे मोहल्ले में इसके जैसा दयालु कोई है ही नहीं। दयालु है अपुन तो इस पे तब से ही फिदा है, जब से इसने अपुन की बहन को बचाया। इतनी देर गए को फोन मार देती अपुन को, एक चिंता हो रही थी। तू रो क्यों रही है, क्या हुआ तेरे को? पता ना अपुन को प्रॉपर्टी के लिए अपने भाई बीजा को मरवाना चाहता है, और दिन रात अपनी अय्याशी के लिए मुझसे पैसे ले रहा है। अगर उसे ये बात पता चल गई तो? जिंदा रहेगा तो पता चलेगा ना, पर आपको तो मेरी कमजोरी पता है ना। रो रही है अब कौन मुझसे शादी करेगा?
सब लोग मुझे ही कलंकित समझेंगे। ये औरतों के माफी रोना बंद कर। सच्चा प्यार मिलेगा ना तो वो दो चुटकी सिंदूर तेरी मांग में डाल के 7 जन्मों के लिए तेरे को अपना बना के कस्टडी में डाल देगा। मारी के दिल में शुरू से औरतों के लिए इज्जत थी, इसकी यही चादा पे अपन बर्फ की तरह पिघल गए। अब उनका तकदीर प्यार की अंगार एक तरफ लगी। सो रहा है ना, एक काम करता हूँ ना, सुबह 5 बजे इसको उठाता हूँ और सब कुछ बता देता हूँ। मारी को ये सब मत बताना, अपुन को कम से कम गाली तो देता है, वो भी बंद कर देगा। एक ना एक दिन बत्ती जरूर चलेगी, लेकिन तब तक के लिए ऐसा इज ठीक है। एक तरफा प्यार में जो तड़पन है ना, उसका अलग ही मजा है। आई लव यू बे।
तेरे को देख के ना चिंपैंजी भी डर जाएगा। तूने ऐसी हरकत की है जैसे प्यार के हरे भरे बगीचे में किसी ने तेजाब का छिड़काव कर दिया हो। 6 महीने का बच्चा भी तुझे देखेगा ना तो देखकर चीख पड़ेगा। चल ए हीरोइन, मारीना सिर्फ फाइटिंग का काम करता है, डांसिंग का काम हम दोनों करते हैं। मारी का दिल जीतने का ना तो एक काम कर। कौन सा काम? अरे एकदम हलवा काम है, सुबह को एक कॉल आएगा, एड्रेस मिलेगा, वहाँ पे रिक्शा में बक्सा डिलीवर करने का। अरे मौसी अपुन आनंदी तू थी ना अंदर क्या बता है कांदा? अरे बाड़ी बनाने का पाउडर है रे, लोचा नहीं होएगा ना? बच्चा भी कर सकता है। ए रुक रुक रुक। नमस्ते सर। हाँ निकल निकल चल। आनंदी अपुन ही चेक बोलो ना सर। रास्ते में तकलीफ तो नहीं? नहीं, नहीं। कोई प्रॉब्लम हो तो अपन को बताना। प्रॉब्लम का दूसरा नाम आनंदी है सर। और हाँ, मारी पूछे तो अपन के बारे में लंबी लंबी हाँकना। कोकेन पाउडर करोड़ों का माल है भाई, तेरे को जिंदा नहीं रहना है क्या? आखिरी बार पूछता है भाई, सप्लायर का नाम बता। जल्दी करना, डिलीवरी का टाइम हो गया। तू कोई लपाचा मत करना। ये तुम्हारी की 26 है ना? अरे हाँ भाई, ये इधर क्या कर रहे लिए? अरे केसरी भैया आज इधर कैसे? मारी किधर है? मारी के चक्कर में मारी मारी फिर रही है। इसमें क्या? कुछ बॉडी बीडी बनाने का पाउडर है। मैं ज्यादा पूछती नहीं, कम जानने में ही चपून का फायदा है। वैसे भी खोलने को मना किया है। तेरे को इसकी ड्यूटी पे कौन लगा है? मारी सब पे भारी। क्या बात कर रही है? क्यों क्या हुआ, कुछ लपाचा है क्या? नहीं नहीं, बहुत शरीफ लोग हैं, पहचान वाले, यही छोड़ दे, मैं देख लूंगा। तू कर जा। अपुन मारी से बात करती है, फोन लगाओ क्या? ए केसरी ने बोला ना तो फिर अपुन को क्या टेंशन? हाँ, सही है। ए आनंदी, डिलीवरी का एड्रेस? रेड हिल्स के पास एक गोडाउन है उधर। ठीक है चलती है। बाय केसरी। भाई क्या हुआ, मारी को फोन लगा रहे है क्या? सबर करना, छोकरी डिच्चू भी तो दे सकती है। नहीं देंगे, मारी के नाम पे कुर्बान हो जाएगी। सही बोला भाई, पहले सप्लायर की कुंडली निकाल देना, फिर मारी तो अपन का जिगरी है ना। ने झोल कर डाला। डील में मेरे को मारी की कटिंग मिली है। उसने मारी का नाम भी उगल दिया। उसको शानी समझा था, पर पचका कर दिया। राग मत दे, तू कौन है ये बता? और मारी को कैसे जानता है? कुछ दिन पहले ही मिला। आपन इस इलाके का नहीं है, केनिया को आपन ड्रग सप्लाई करता है यहाँ से, और केनिया के कुछ लोकल गैंग लोग इधर जो आपन के रास्ते का रोड़ा बन के अपने धंधे की बाट लगा रहे हैं। लेकिन मारी ने मामला सुलटा डाला, आपने सबसे छुपाया था, उस लड़की ने रायता फैला डाला। मारी अपन से पूछे बिना मक्खी भी नहीं मारता, और ये पाउडर का धंधा तो मरता मर जाएगा पर कभी नहीं करेगा। तेरे से छुपा के वो काम क्यों कर रहे ले अपन को मालूम है। वो तुम लोगों का पक्का दोस्त है, तुम्हारी नजर में बुरा नहीं बनना चाहेगा, पर तुम लोगों को पता नहीं वो बहुत हार्ड व्यापारी है, आता हुआ माल कभी नहीं छोड़ेगा वो। झूठ बोल रहा है तू। अगर इसमें उसका फायदा नहीं होता तो आनंदी से स्मगलिंग काय को कराता वो। नहीं पड़ी मारा ना, नहीं तो मारी अपन को बहुत मारेगा। इसमें जरूर यादव का ही छाता होगा। उसको सब पता है बेड़ो। अबे उस दिन रात को मारी पर हमला करवाने वाला वैश्य था। ए केसरी, फुर्सत में आकर वो कश्मीरी माल पिलाता हूं।
काम दिया था वो ठीक तरीके से कर पा रही है कि नहीं? कर पा रही है? अरे उसके सर पे मेरा हाथ है। मेरा हाथ जिसके सर पे होता है उसका बेड़ा गर्क होता है। अरे वो वल्लभ है ना? हाँ वल्लभ भिंगाड़े। आप मेरे को देख के चोरमा भी भाग क्यों रहे? रुके वल्लभ, क्या कर रहा है बा? अरे मारी अपने फंडर लोग से बात कर रहा था, बस निकल ही रहा है। ये झंडे लोग तेरे फ्रेंड है? बैग में क्या? बैग में कुछ नहीं है भाई, बस चार जोड़ी चप्पल रखे। तो थोपड़े का नक्शा कहाँ को बदला है? इसका बैग चेक कर रहे हैं। हाँ देखते हैं। ये आइला, इसने क्या रम चालू किया रखता है? बोरिक पाउडर लेके घूम रहा है। बोरिक पाउडर नहीं है रे, पाउडर है। मारी देख केसरी से ढक के रखना, वरना अपन को बहुत मारेगा। मैं तेरे को रिक्वेस्ट करता है, चाहिए तो दो पूड़ी तू भी रख ले। यड़ा हो गया क्या? फिसल गया, काय को गला फाड़ रहा है, मौत का सौदा कर रहा है, पाउडर का धंधा। अरे अपुन मरते मर जाएंगे लेकिन कभी पाउडर के डीलिंग नहीं करेंगे बा। केसरी ये अपुन को फंसा रहला है। अबे चमाट खाएगा तो। अरे वल्लभ तू बोल, कोकिंग का धंधा ये करता है और अपुन के नाम का बिल बना रहा है, दोस्ती के नाम पे तेरे को धोखा दे रहा है। ये तेरा लाल पानी निकाल देगा केसरी, ये झूठ बोल रहा है। इसको हम लोग ने माल के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। उधर बोल रहा था भाई को मत बताना, इधर डबल गेम खेल रहा है। ए अपुन कहां से ड्रग्स लाएगा? कौन देगा अपुन को ड्रग्स? डीलिंग ये करता है। देख केसरी ये मारी तेरे को। आवाज नीचे मारे। दोगला बन तो तू दिखाया रे। क्या? तू अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और। पाउडर से हाथ रंग लिए तूने। ये क्या है केसरी? जुड़िया बोल रहा है तू मारी पे शक कर रहे? तेरे को ड्रग्स के चक्कर से इसने नहीं मारी नहीं निकला था। सब चाल थी उसकी, पैसे का चस्का, ईमान धर्म सब भुला देता। मुझे सप्लायर भी पता है। सप्लायर? तूने माल तो नहीं मारा? जब मैंने ऑफर दिया था तब क्यों नहीं किया रे मारी? ए ये सब झूठ है मेरा भाई। झूठ से पर्दा उठाता है अभी। आनंदे आनंदी, किसके फरमान पे किया ये सब? शनी ने अपुन को बोला कि मारी ने करने को बोला है, अपुन सिर्फ डिलीवरी करती है। वो बक्से में क्या है अपुन को नहीं पता। चला ये काम वल्लभ ने मारी को बोला, इसलिए मैंने आनंदी को बोला करने को। हाँ लपेट ले, लपेट ले अपुन को। आनंदी तूने अपुन को वहां कभी देखा क्या? बोल। कल मैंने और केसरी ने इसे रंगे हाथों पकड़ा है, ड्रग सप्लाई कर रही थी। इधर कोकीन लेके टुन रहता है और इधर मारी देरी पीछे से मार रहा है और ब्लेम अपुन के ऊपर डाल रहा है। ऐसा नहीं है, अपुन को नहीं पता क्या चल रहा है अपना मारी। ए, चुप रहे। अब तक अपुन तेरे को दूध की धूली समझ रहा था लेकिन तू भी टोपा निकली। मारी ने बिल्कुल सही टोपी फिट की तेरे को। गटर का ढक्कन बंद कर, नहीं तो मैं पूछ लगाऊंगा। ये केसरी का मुंह देख के अपन चुप है वरना। ए अपुन को क्या बोल रहा है? तेरे दोस्त ने दोस्ती के नाम पे अपुन की पीठ पे छुरा घुमाया है, बीच में दुश्मनी लगा रहा है। नशे के मार नहीं सकता तुझे, मार मारना। अभी क्या हो गया? मारना अभी तेरे से बात करके कोई फायदा नहीं है, तेरा पंखा फास्ट है। शनि पे हाथ उठाएगा ना तो तेरी साढ़े सती शुरू हो जाएगी। गलत मंगा लिया है तूने। हे मारी, ये क्या लपाचा हुआ? अब उनको बता ना। दिमाग का उबाल मत कर, निकल यहां से। अब उनका क्या करती है? बक्से में ड्रग है ये, तूने आप उनको बताया क्यों नहीं? अब उनको क्या पता? तू इस तो बोला था अपने को वो काम करने को। इसका कोई मिस्टेक नहीं। नेता बन रहा है क्या तू? नहीं वो सॉरी ब्रो, ये आप उनके पीछे पागल है बोल के इसका गलत फायदा उठाया। बोल इसको जाने को। किसी को लव करना गुनाह है? ए चल बस। हाँ तू अपन के लिए मुसीबत है क्या? सच
सच्चे प्यार को लोग ऐसे तरसते हैं जैसे प्यासा पानी को, और तू अपन के प्यार को लात मार रहा है, मुसीबत बोलता है तू अपने को, हाँ? अपुन तेरे लिए रात रात भर जाकर पीने करती है कि गॉड अपुन के बारी को तू सेफ रखना, और तू अपुन से ड्रग डील करवाया, हाँ? सेंटी कर दिया तू अपुन को, लव कर दिए मैं, खाते पीते उठते बैठते तू इंच दिखता है, अपुन तेरे को हॉस्पिटल भी लेके गई थी कि तेरे को टिटनेस ना हो जावे, और तू अपने को इस टिटनेस दे रहा है, तेरे को ना अपुन की कदर वैल्यू है इंच नहीं, अपुन के जाने के बाद तू अपनी वैल्यू करेगा। इतना दम नहीं है कि वो पाउडर की डीलिंग कर सके, जरूर उसको हवा देने वाला सिर्फ और सिर्फ यादव ही है, अगर अभी आपने कुछ किया तो ये लड़ाई गैंगवार में बदल जाएगी, गलत फहमी रिश्तों की बुनियाद को खोखला कर डालती है। सुनो लोहा बहुत गरम है, मार दो हथौड़ी, एक फटका में दी एंड। गरम गरम खाएगा तो हाथ जल जाएगा। हाथ जलेगा चलेगा, बस उसकी जिंदगी का दिया बुझा दो। ये आप उनका प्लान है, तू बीच में टंगड़ी मत अड़ा। बुड़बक कहीं का हमको उल्लू का पट्टा समझ रखा है, हमसे ऊपर उठने की सोचता है। काम कर, कानपुर से प्रोफेशनल किलर को बुलवा, ठीक है? मारी इस वक्त अकेला होगा, उस पर घात लगाना बहुत आसान है जी। वो और केसरी कल सुबह का सूरज न देख पाए। बिल्कुल। अब उसकी शादी मुझसे करा दो ना काका, मेरे घर में रानी बन के रहेगी वो मेरा बचपन का प्यार है। अगर मेरी शादी नहीं हुई तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा मत करना बेटा, आप तो नारी हो ना अम्मा, आप ही जाके समझाओ ना उसे, बहुत ही धूमधाम से शादी करूंगा। मेरा नाम है अन्ना, लगाता हूँ चुन्ना, जाओ शादी की तैयारी शुरू करो। अरे कौन पटाखा फेंक रहा, जरा देखो जाके पता करो। हाथ हो गई, ठीक से पिक्चर में नहीं देखने देते। के साथ इसको भी जला डालो,
केसरी को फोन कर, बोल मारी ने गोडाउन जला दिया और उसी अग्नि में उसके भाई का दाह संस्कार भी कर दिया। झूठे प्यार का नाटक ना अपुन को मत दिखा। अपुन का प्यार तो प्रॉब्लम है ना। बराबर बोली, प्यार का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम है। प्यार का फूल कौन से बागीचे में खिलता है ये अपन को मालूम ही नहीं है। ए, खाना खाया क्या तूने? बोलना, गुस्सा हो गई क्या तू? अरे नहीं खाया तो चलना। अबे एक गधे की औलाद, अभी जाने का था तेरे को। पहली बार इसके मुंह से शहद टपक रही थी, तूने सब गुड़ गोबर कर दिया। अपन का वो मतलब नहीं था। अयो अयो, कचरा कर डाला। अबे मनुष की छठी औलाद, घर जाके सो जा। तू घर जा। कौन भेजा रहे तेरे को? कौन इतना मोहब्बत कर दिया अपन से? को मार रहे हो? केसरी को पता चलो केसरी नहीं मारने भेजा है।
तीन के सांप को कचल डाला।
मैडम अपने असेंबली इलेक्शंस कैंडिडेट का बैकग्राउंड डिटेल्स चेक करने के लिए कहा था। हम लोगों ने 547 का चेक कर लिया है। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स? 80% कैंडिडेट का कोई ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। 20% तो साफ है। फॉर्मर MLAs और MPs को छोड़कर कितने होंगे? 46 मैडम। और फर्स्ट टाइम नॉमिनीज कितने हैं? 5 मेंबर्स। तिंडवरम वेस्ट से वेदराज, त्रिची ईस्ट से एसमनी, थाउजेंड लाइट्स से गंगाधर बीजा। एक सेकंड, आखिरी नाम क्या लिया तुमने? थाउजेंड लाइट्स से गंगाधर बीजा। मैडम वो जाना माना गैंगस्टर है। तनातोस। ओ तनातोस, मैं से कहानी है मैडम, एक सच्ची लगने वाली अफवाह है। उसे किसी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और उसने डिस्चार्ज होते वक्त दोनों कॉन्स्टेबल्स की हत्या कर डाली। उसे कोई बीमारी थी इसलिए उसने सुसाइड भी कर ली। ये रहा उसका डेथ सर्टिफिकेट। और गंगाधर बीजा? एक सजा याफ्ता मुजरिम, अपने अच्छे व्यवहार के लिए समय से पहले उसे रिहा कर दिया गया। जेल से निकल के कई बिजनेस और सामाजिक कार्यों में नाम कमाया और अब वो चुनाव भी लड़ रहा है। कुर्सी के लिए अपनी तशरीफ फड़फड़ा रही है। तेरे से ज्यादा अपुन की, बोले तो अपुन को इलेक्शन लड़ने गए। पर लिस्ट में तेरा नहीं अपुन का नाम है। सब पता है रे, इसीलिए तो तेरे को कह रहा हूँ अब तेरी टिकट अपुन को दे दे, तू हारने वाला है। ज्यादा उड़ मत, पर काट दूंगा। ए, तुझे लीडर अपुन ने बनाया, वो कहावत है ना, वक्त पे गधे को बाप बना लो। तू गधा है रे, तू वो टिश्यू है जिसका मैंने इस्तेमाल किया, अब बस फ्लश करना बाकी है। मैं त्रिशूल में एक एक्टर्स हूँ, जितना खासेगा ना उतना ही खून निकलेगा। गुस्सा मत कीजिए किसी। एक सेकंड चाचा, बात करने दो। ए, तेरा नसीब बहुत सुनहरा है, इलेक्शन का टाइम नहीं होता ना तो यहीं पे खर्चा कर देता तेरे को। निकल आवे। अरे आजा आजा, तू तो आता नहीं, सोचा आपने मिलने चला है। बैठ बैठ, अपना ही घर समझ। वल्लभ को आपुन ने ही टपकाया और उसका टोकरा मारी को पहना दिया। बहुत तपलीक से मारा था वो, और ये बेचारे गुड़िया तो रोएगी भी नहीं। कांग्रेचुलेशंस बीजा, जरा एक मिनट कुछ बताना है। पिछले महीने तुम्हारे 3 आदमी पकड़े गए हैं, अगर उन्होंने मुंह खोल दिया तो मुझे लगता है या कोई तो है जो पुलिस का इन्फॉर्मर है। मतलब खबरी सच बोल रहा है ना वर्दी? अरे बात एकदम पक्की है, वो कौन है और यहाँ कब से काम कर रहा है ये नहीं जानता मैं, लेकिन है तुम्हारे गैंग का आदमी। सुन, उसे ढूंढ, आतंकवादी बनाओ, शूट कर दे। अरे आज तक उसे किसी ने नहीं देखा, उसका सीधे कमिश्नर से कॉन्टेक्ट है। अपने गैंग मेंबर्स में टटोल छुपा रुस्तम सामने आ जाएगा, जल्दी पता लगा, इसी में तेरी भलाई है। कई गैंगस्टर्स पहले ही ससुराल पहुंच चुके हैं, कौन जाने अगला नंबर तेरा ही होगा। सर गंगाधर बीजा को इलेक्शन लड़ने नहीं दे सकते, वो एक जाना माना क्रिमिनल है। आपको पता ही होगा आज से 10 साल पहले 2 जेलर्स को मार के फरार हो गया था। ये देखिए उसकी फाइल। बीजा ने कई खून किए हैं, तनाटोस और बीजा एक ही इंसान है। कोई सबूत भी है तुम्हारे पास? एक विटनेस था, पर अब वो कहाँ है ये कोई नहीं जानता। जहाँ तक मुझे पता है आपका एक खबरी उसके गैंग में शामिल है। उसकी मदद से हम सबूत इकट्ठे करके बीजा के खिलाफ एक मजबूत केस बना सकते हैं। सर प्लीज टेक योर सीट। इन्फॉर्मर की सेफ्टी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही रिस्की जॉब है और बीजा जरूरत से ज्यादा चालाक है। हम दूसरे तरीके ट्राई कर सकते हैं।
उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत इकट्ठा करो, मिल जाए तो उसे फौरन अरेस्ट कर लेंगे। ये कमिश्नर की जबान है। दुनिया को सुधारने के लिए पहले खुद बिगड़ना पड़ता है मैडम। 8 साल से मारी मिसिंग है मैडम, उसके दुश्मन उसको डॉगी की तरह ढूंढ रहे हैं। पुलिस भी उसको ढूंढने की फुल ट्राई कर रही है। नीचा तो उसको जान से मारना चाहता था मैडम, लेकिन फेल हो गया। आज तक अपना वार कभी खाली नहीं किया। लाइफ में फर्स्ट टाइम आपन से गलती हुआ, सुधार भी आपन ही करेगा। हम लोगों ने उन्हें ढूंढना बंद कर दिया है। मारी जिंदा है भी या नहीं हमें नहीं पता मैडम, ना उन्हें कभी किसी ने देखा और ना उनके बारे में कभी सुना। 8 साल पहले बीजा ने उसे मारने की कोशिश की थी। उसी दिन उसी जगह 4 और लोग मारे गए थे। मारी एक लौता विटनेस है। इस केस को रीओपन करना होगा। छोटा सा भी सुराग मिले तो सीधे मुझे रिपोर्ट करो। मुझे मारी चाहिए। एक लड़की थी जो मारी के पीछे पागल थी, नाम क्या था? आनंदी मैडम। उस दिन से वो भी नहीं दिखाई दी। उसकी फोटो मिल सकती है? मारी और आनंदी की फोटो सब जगह सर्कुलेट करो। ओके मैम। मीडिया, सोशल मीडिया, चैनल्स, पोस्टर्स, पुलिस स्टेशन, हर जगह वही दिखने चाहिए। पूरे स्टेट में दोनों की फोटो लगा दी है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। इससे एक ही चीज साबित होती है, मारी मर चुका है। हेलो। आप उनके काम में हाथ बटाने के लिए थैंक्स। क्या आज पहली बार पुलिस गुंडे की मदद करने ली है? उसके लिए आप उन फूल भेजेगा? मारी को सालों से ढूंढ रहा हूँ मैं। उसके लिए वैष्णो देवी जाके मन्नत मांगी कि वो आप उनकी गोली से मरे और भगवान से आप उनका याराना है। मम्मी तुम ऑटो से क्यों आई? मैं कार भिजवा देती ना। अरे कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं थी। अच्छा सुन, वो ऑटो ड्राइवर है ना, तुझसे मिलना चाहता है, कोई जरूरी काम है। हर आदमी यही कहता है, तुम जाकर सो जाओ। एक बार जाकर बात तो कर ले। क्या नाम बताया था? मारी, ऐसा ही कुछ था। क्योंकि अभी अपन को पब्लिसिटी का कोई शौक नहीं है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जिंदगी अपन जी रहे हैं। ये अपन का गुजारिश है। मुझे अच्छी तरह से पता था कि मिलने के बाद तुम यही कहोगे, लेकिन धमकी के अंदाज में इतनी नरमी से पेश आओगे ये नहीं सोचा था। जिसकी वजह से इसे पैरालाइज हो गया है, अब ये दोबारा कभी चल नहीं पाएगी। ख्याल रखिएगा। मारी, आप उनके किए पाप को भगवान ने तेरे से धुलवाया। काय को बचाया अपने को, नहीं बचाने का था तो तू मेरे को काय को बचाया? जिंदगी भर अपने टोपे टपारे किए, लाइफ में फर्स्ट टाइम कुछ अच्छा करना चाहो तो गलत हुआ। जिस लड़की को तूने बचाया था वो मेरी बहन थी। तभी सेज तो अपने दिल में कुंडली मार के बैठ गया। अपन तेरे को बहुत चाहती है यार, तेरे पीछे दौड़ती थी, अब कैसे दौड़ेगी? अपन यहां से बहुत दूर चले जाएंगे। यहां पे अपन का एक ही जिगरी था, वो अब नहीं रहा। अब तू ही अपन का सुकून है। अपन तेरे साथ ही जिएगा। सौ काली रात के बाद अब उनका सवेरा हुआ है, तू अपन को मिल गया, अपन को पूरी दुनिया ही मिल गई। Love you, baby. अपुन की खातिर उसने अपनी जिंदगी का लहसुन कर डाला, तो अपुन ने भी अपनी जिंदगी को बांबू के माफिक सीधा करने में टाइम नहीं लगाया। सारी दुनिया सिमट कर आनंदी के रूप में अपुन की पहलू में आ गई
पापू ने यह ठान लिया था कि जुर्म की इस काली रात का कभी सवेरा नहीं होने देगा। कभी ख्वाब में भी अपन ने सोचा नहीं था कि अपन शादी बनाएगा, पर आनंदी ने अपन की दुनिया ही बदल डाली। आप लोग घर भाड़े पे दे रहे? सही सुना, एजेंट को कहा हुआ था। हे लक्ष्मी, इन लोगों को अपने राजमहल का ऊपर का हिस्सा दिखा कर आओ। पिज्जा बर्गर खाना बंद कर दे, तेरा वजन आटे के बोरी जितना हो गया है। चल चुप। माओ जी, नीचे वाला कमरा मिल सकता है? तो हम बुड्ढे बुड्ढी कहाँ रहेंगे? जानू में। उनका टाइम अभी तक आया नहीं है। इसे लेकर ऊपर चढ़ने में कोई तकलीफ तो नहीं होगी? लिफ्ट लगवा दो ना। क्या मतलब लिफ्ट? वो सब यहाँ नहीं होता। अपुन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपुन का एक ही लिफ्ट है। मान लगता है नया नया इश्क है। मान लगता है बुड्ढा बुड्ढी रोमांटिक है। हेलो आंटी को तो बख्श दे ब्रो। चाहो तो कल शिफ्ट कर सकते हो। नमस्ते। कमरे दुल्हन आ रही है, गृह प्रवेश के लिए दरवाजा खोलो पट पट। अहिला ये तो लॉक है। मारी क्या लगता बूढ़ा बूढ़ी हनीमून पे भाग गए? एक काम कर, पिछू से सीढ़ी लगा के अंदर जाके दरवाजा खोल। दरवाजा तोड़ने का इरादा है क्या? हाँ आपकी जिद दम नहीं। हम दोनों ऊपर शिफ्ट हो गए हैं, तुम है? लोग नीचे रह सकते हो, आप तो लिफ्ट की जरूरत नहीं होगी। नहीं, 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 लेकिन आपको तकलीफ होगी ना चीचा? कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम लोग यहाँ आराम से रह सकते हो। जरा कश्मीर में घूम के आओ, गोरे गोरे गुलाबी और चिकने हो जाओगे। कलर का मजाक उड़ा रही है आंटी भी ना। भगाने का ट्राई मत करो, मारी के लिए ना दोस्त लोग पहला है, बीवी तो कल ही आई ली है। ये पैसा पकड़ो। ये क्या है ब्रो? इधर से 500 किलोमीटर दूर चले जाना और दो महीने से पहले अपना शक्ल मत दिखाना। चलो उठ लो, घूमने चले। क्वार्टर लेके फुल घूमते चल ब्रो। ऐसा लग रहा है कि कोई ट्रेन में से अपन को छोड़ के उतर गया। इतना सेंटी क्यों रहे मेंटल? अंकल ये 45 का हो गया है, शादी के लिए कोई लड़की बताओ ना। हो जाएगी रे, विधवा तलाकशुदा भागी हुई कोई भी चलेगी। चल चल काले काली चुप बंद कर। क्या ढूंढ रही है तू? जमीन में क्या देख रही थी? वो तो ऐसे ही चपुन शर्मा रही थी। शर्माने का नहीं, काम कैसे चलेगा? मेरे को भूख लगी है। मैंने खा लिया। क्या यार समझती नहीं है तू? अभी खाने पीने की बात कर रहे। चल चुपचाप बैठ जा। अभी तेरी भाईगिरी चलूंगी। बस में जैसे लोग टच करते ना तो वैसे ही कर रहे ला। ए, अपुन को इससे अच्छा नहीं आता। चल ठीक है चलेगा अपुन को। अपुन में तेरे को क्या अच्छा लगता है? इतना सोच रहे ला है तू? हाँ? यानी तेरे को कुछ नहीं पसंद? रुकना, सोचने देना। तेरी मुस्कान बहुत अच्छी है। हाँ उसे पे तो अपुन लटको होगी। हाँ तू अगरबत्ती की तरह सुगंधित और मोमबत्ती की तरह ब्राइट है। मोमबत्ती अगरबत्ती?
तू नारियल तो नहीं फोड़ेगा ना? तेरे को देख के अपन का चिराग जलता है। बहुत देर से जला रहे तू। वो क्या है, तेरा जो प्यार था ना वो नासिक ढोल की तरह था और अपन का बांसुरी के माफिक। तेरी कसम। चूरन काहे को दे रहे लाए, पहले काहे को नहीं बोला? हम गुंडे माहौलियों की जिंदगी 502 पता का भीड़ी की तरह होती है, पता नहीं कब पूछे। ये आज अपन लोग का वैलेंटाइन डे, तो ये सब क्या बकवास की बातें कर रहे हैं? मेरे को अपनी पहली जिंदगी के बारे में बताना। बातें बहुत हो गई, अभी गुफ्तगू करें क्या? కథగా మొదలయ్యే పయనం కదిలే నిమిషాన్నే మనకై దాచింది సమయం కంటి పాపై నిన్ను నేను కాచుకుంటా చీర కొంగ దాచుకుంటా నన్ను మళ్ళీ మనిషల్లే మార్చేసావే ఉన్న ప్రాణం నీదంటూ రాసిచ్చానే खुश है ना?
भाई को नहीं होएगा। आप उनकी इतनी खूबसूरत हिरनी एक शेर बब्बर को जन्म जो देने वाली है। और लड़की हुई तो? अगर लड़की होएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार फिर से ट्राई मार लेंगे। सुनना, अपन को कुछ बोलने का है तेरे को। ऐसा लगता है अपन की लाइफ सेट है। लेकिन तेरे को एक बात बोलूं, तू जब गुंडागर्दी करता था ना तो अपन का कलेजा हिलने लगता था। ए तू फिर से राउडी बन के दिखा ना अपन को। तेरी जात का अपन ऐसा शरीफ अच्छा नहीं लगता क्या? तेरे को जैसा रहना है तुरे, अपन तेरे को एक ज्ञान देते हैं। अपने फायदे के लिए ना किसी निर्दोष को मारना मत। हाथ सिर्फ उधर ही उठाना जहाँ पर किसी ने कुछ गलत किया हो। किसी भले इंसान को मत मारना। इतनी अच्छी बातें इंसान के दिमाग में तभी जाती है जब वो बेवड़ा मारता है। लेकिन तू तो पीती नहीं है तो फिर इतनी अच्छी बातें कैसे कर लेती है? अबे तेरे को पता नहीं है मेरे पास दो दिमाग है। तो मैं सोचू कि रिक्शे वाले का दिमाग इतना अच्छे से कैसे? क्या हुआ? ए, क्या हुआ? अपन को दर्द हो रहा है। स्वस्थ नहीं थी तो डिलीवरी के दौरान थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो गई। हमने पूरी कोशिश की पर तुम झूठ बोल रही हो ना? सॉरी। आनंदी चाहती थी कि अपुन के बेटे पे कभी किसी की कोई बुरी परछाई ना पड़े, इसलिए अपुन आना नहीं चाहता था। बहुत प्यार करते हो उससे। नाम क्या है? काली।
सर्टिफिकेट है। आंटी को मिस्टर लोरी सिंगर लगती है। हो गया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है मैडम। तो काली अपनी माँ पे गया है या तुम पे? कोहिनूर का टुकड़ा है वो। है छोटा पर उसकी हरकतें बहुत बड़ी है। पांचवी कक्षा में है और दसवीं के बच्चों के साथ घूमता है। अरे 30 साल से मैं टीचर ही कर रहा हूँ लेकिन ऐसा बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। मारियप्पन, आप बहुत सीधे और भोले इंसान हैं। ये बच्चा इतना नखट कैसे है? इसे अपने जैसा बनाइए। भगवत गीता जानते हैं ना? अपन जानता है, कोर्ट में उस पे हाथ रख के कसम खिलाते ना, अपन ने खाया। इस पर ध्यान देंगे तो ये सुधर जाएगा, आप ही की तरह नेक इंसान बनेगा ना। ठीक है साहब, बेस्ट ऑफ लक। ए काली, अपन को ये बता, तू हर बात पे गुस्सा करके होता है? हर बात पे नहीं होता। तो फिर कभी कभी ईगो हर्ट हो जाता है तो कंट्रोल ही नहीं कर पाता। अच्छा, तेरी माँ जो हमेशा अपन को बोलती थी ना, वो आज अपन तेरे को बोलता है। अपने स्वार्थ और खुशी के लिए जिंदगी में कभी किसी को तकलीफ नहीं देने का, हाथ उधर ही जुटाने का, जहाँ किसी ने कुछ गलत किया हो सही आदमी को मारने का नहीं। समझा ना? चल ठीक है, धीरे धीरे पूरा समझ जाएगा। एक स्टेट लेवल की रेस होने वाली है, मैं भी हिस्सा लूं। सही है बेटू, ले लेना। उसके लिए कुमारवाड़ा जाना पड़ेगा। कुमारवाड़ा? बच्चे की खुशी के लिए अपन को वापस आना ही पड़ा। कोई इतना बदल सकता है ये मैं सोच भी नहीं सकती। एक औरत चाहे तो किसी को भी बदल सकती है। किसी ने सच ही कहा है। अपन अपनी जिंदगी में बहुत खुश है मैडम। अभी अपन का जिंदगी में दुख का चिंगारी मत लगाइए, अपन का रिक्वेस्ट है। अपन गवाही देने कोर्ट में नहीं आ सकता मैडम। केसरी और बीजा से अपन जिंदगी में कभी सामना नहीं करेगा। पहले तुम्हारे पास जीने का मकसद नहीं था लेकिन अब है। तुम्हारा बेटा और उसे एक ऐसे माहौल की जरूरत है जहाँ उस पर बीजा और केसरी जैसे लोगों की परछाई भी ना पड़े। सोसाइटी से गंदगी साफ करना आपका काम है, अपन हेल्प नहीं करेगा। अपन की जिम्मेदारी है अपने बेटे की अच्छे से परवरिश करना और वो अपन बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। चलता है मैडम। इसके साथ चल। ये ऐसा भागने का कि सबको पीछे छोड़ देने का। कब छापा?
एकदम तेरा जेरोक्स कॉपी लग रहे ले। जयराम जी की बीजा उर्फ बिरजू। हाय अंकल। तुम्हारे पापा का बढ़िया दोस्त। काली तेरे को रेस जीतने गए ना तो जा पहले जाके प्रैक्टिस कर ले। ए मारी काली से अपन दोस्ती कर रहे ले। अंकल आप मेरे पापा को कब से जानते हो? हम लोग बहुत पुराने दोस्त है, शायद तू पैदा भी नहीं हुआ रहेगा। 8 साल हो गए तेरे पापा को ढूंढते हुए। दीदा राज दिया। हम लोग ले बार दे बार खेल रहे थे तभी हमारा झगड़ा हो गया। आज उस झगड़े को सुलटाएंगे। अब कौन सही है इसका फैसला तुम करोगे। अच्छा बताओ जानवर वाला चैनल देखा है जिसमें शेर हिरन का शिकार करता है? देखा है? हाँ, देखा है देखा है। तो ये बताओ हिरन को शेर मारते हुए देखा है? कि हिरन शेर को दौड़ा रहा और शेर डर के भाग रहा? ऐसा नहीं हो सकता। सुना मारी तेरा बेटा बहुत हाड़ है। अब शेर दहाड़ेगा नहीं तो क्या म्याओ म्याओ करेगा? पर अंकल आपसे एक गोची हो गई है। क्या? शिकार करने से पहले शेर दहाड़ता नहीं है। वो कब किस पर अटैक करेगा ये तो शेर को भी नहीं पता होता। वायलेंट होने से पहले शेर हमेशा एक कूल कैट की तरह साइलेंट रहता है। साइलेंट ये अंदर की बात है अंकल, आपके भेजे में नहीं घुसेगी। रास्ते में चाहे कितने भी कुत्ते क्यों ना भूखे हाथी की चाल चलेगा क्या? सही है ना बीजा? नहीं मारी, बच्चे को टुनटुना मिल जाए तो वो रोना बंद कर देता है, लेकिन जैसे ही कोई उसका टुनटुना छीन ले तो वो तिलमिला उठता है। बिल्कुल उसी तरह से अगर आपू ने तेरा टुनटुना तुझसे छीन लिया तो तू कैसे छटपटाएगा? क्या चाहिए तेरे को? मारी आपने जितनी देर यहाँ बात की ना उतनी देर में तो तुम बाप बेटों को 10 बार मार चुका होता। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तुझे चूहे की जैसा डरा और सहमा देखकर अपन को इतनी खुशी मिल रही है जितनी तेरी डेड बॉडी को देखकर नहीं मिलती। चल अपन तेरे को एक आखिरी मौका देने लगे। अगर तेरे अंदर गोदा है और तेरे गोदे के अंदर जान है तो अपने बेटे और अक्खा पब्लिक के सामने अपन को ठोक डाल। 1 time offer 5 तक गिनूंगा। चल मौत का जुआ खेलते। 1, 2, 3, 4, 5 आज के बाद तू और तेरा बेटा डर के साए में रहकर मौत का इंतजार करेंगे। तुझे डरा डरा के मारूंगा। मौत के बादल छा गए हैं, कब मौत की तूफानी बारिश होगी पता भी नहीं चलेगा। इलेक्शन चल रहा है लफड़ा कायकू। हाँ भाई आप पहले से ही कमिश्नर और विजय के टारगेट पे हैं, गड़बड़ हो जाएगी। जानता हूँ रे, इलेक्शन तक तो ये डर से तड़पते रहेंगे। इनकी मैयत पर अपनी जीत का जश्न होगा। मिले हैं, कोर्ट ने केस फास्ट ट्रैक पर रखा है, अगली हियरिंग 2 दिन के बाद होगी।
आज हम समन भेजेंगे। हो सकता है उसकी पार्टी के गुंडे कोर्ट में हंगामा करने की कोशिश करें। सिक्योरिटी टाइट रखना। ओके मैडम। वैसे विटनेस कौन है? ये सब कॉन्फिडेंशियल है सर। तुम्हें कोई आइडिया है? सर आप तो सीनियर है, आपको नहीं पता तो मुझे कैसे होगा। बीजा के गैंग में कमिश्नर का एक खबरी है, वैसे ही जैसे हमारे डिपार्टमेंट में उनका एक खबरी है। आपको पता है ना? नो, सर ये मेरे को कैसे पता होगा? तो पता लगाइए सर, पावर का इस्तेमाल कीजिए। ओके मैडम, ट्राई करूंगा। ले बेटा सीधा क्लास में जा। हाँ अपनी नई मिस में सीख लिया है। ये सब करने आते हो स्कूल में? हाँ तुम्हारे माँ बाप ने ये सब सिखाया है? शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? चिंगारी लगती है, चिंगारी। ए रुबे, क्या रे हमारी कंप्लेन करता है? पता है मेरा पाप कौन है? इसे खोपचे में लेकर चल बेटा, कोने में आ। सारा गलती तो तेरा है ना, तूने प्रिंसिपल को कंप्लेंट कैसे किया? मम्मी की बात भूल गए क्या? अपनी खुशी के लिए किसी को दुख नहीं देना चाहिए। किसी का दिल तोड़ना मंदिर मस्जिद तोड़ने से भी बड़ा पाप होता है, और आज तो दोनों बातें हो गई। वो टीचर को तंग कर रहे थे और ये जुल्म देखकर मेरे अंदर का इंसान जाग गया। ये सब होता रहता और मैं चुपचाप बैठा रहता क्या? किसी को तो जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी होगी ना। गलत और सही का फैसला मैंने खुद कर लिया। सॉरी बापू। बड़ा देख कितना गहरा चोट लगा। कैसे फुल साइज आदमी ने मारा? नहीं एक हाफ साइज बच्चे ने। अयो गधे, अपने बाप का नाम तो सांबर में मिला दिया। अरे जा उस पिल्ला को लेके आ। जा अभी लाता हूं। मैं वो घास वाला सेठ बुला रहे ला। अब क्या करे? ए ठीक है अपन जाता है। तुम्हारे खिलाफ केस रजिस्टर हो चुका है भी जा। कौन है? ज्वाइंट सेक्रेटरी विजय। समन जारी हो चुके हैं और इतना ही नहीं, एक विटनेस स्टेटमेंट देने को भी तैयार है। सबसे बड़ी बात, तुम्हारी गैंग में एक इन्फॉर्मर है। आस्तीन में सांप होना कोई बड़ी बात नहीं है। धन मरोड़ दे डसने से पहले। मैं पता लगा लूंगा, थोड़ा टाइम दो। केसरी को फोन लगा, वार्तालाप करनी है। हिसाब में गड़बड़ हुआ, मैं तुझे गड़बड़ कर देगा। हाँ अब खुद चेक कर लीजिए। ठीक है तो चाय बोल। अच्छा तू बाप है, औलाद किधर है? वो नहीं आया। तेरा पिल्ले ने मेरे बेटे को डॉगी की तरह धोया। काय को साहब जी, अपुन ने अपने बेटे से बात की, सारा गलती आपके बेटे का है। इतने छोटे होके टीचर को छेड़ना बोले तो ये अच्छा नहीं लगता है ना, और ये उम्र तो पढ़ने लिखने का होता है ना साहब। आप उसको अच्छा संस्कार देगा तो आपका ही नाम रोशन होएगा ना। अपने बेटे की तरफ से अपन माफी मांगते हैं साहब। तेरा भेजा खनक गया जो तू अपन को मारने चला है। दिल तो किया उसी दिन तेरे को चीर दूं जिस दिन अपनी बच्ची पे तेरे घोड़ा लगाया। ये तेरा बोनस टाइम चल रहा है। शाक जब बच्चों को जन्म देती है तो बहुत खुश होती है।
पर वो ये नहीं जानते कि बड़ी होकर एक दिन वो उसी को अपनी भूख मिटाने के लिए उसे निवाला बना लेगी। इसलिए पहली ही फुर्सत में उसके जबड़े को चीर डालेगा। कर्मा है बेटा, खरबूज बोएगा तो तरबूज नहीं निकलेगा। अब ये दोस्ती दुश्मनी की बातें छोड़, तेरे जैसा दोगला आदमी बात करने लायक भी नहीं है। आप उन्हें बचपन से ही दो मुंह वाले सांप को दूध पिलाया है। शिकार अगर एक मुंह वाले से बच जाए तो दूसरा शिकार को लपेट ले, और तू लपेटे में आ गया है। भाई मारी का पता चल गया, बोलो क्या करने का है? अपने 10-12 फंडरों को लेकर जा। आप उनके केस के बाद उसका केस क्लोज कर डालेंगे। अरे भाई 10 आदमी क्यों चाहिए? कछुए के माफिक सूख के काटा हो गया है। आज घास वाले के साथ लफड़ा हुआ ना तो उसके पैर में गिर के माफी मांग रहा था वो। पता किया? अरे सब जगह छानबीन कर डाली, मारा और धमकाया भी, पुलिस डिपार्टमेंट में सबको टटोल लिया। उसका कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन मैं उसे ढूंढ लूंगा। हाँ तो कब ढूंढेगा उसे? जब वो कोर्ट पहुँच जाएगा। कोर्ट पहुँचने के पहले ही उसका पोस्टमार्टम कर डाल, ठीक है? वरना तेरी फैमिली को कोई नहीं बचा। जी भाई। रहता था एकदम पक्की खबर थी भाई। वो घास वाले के पास गया था मगर उसकी डॉगी की तरह पिटाई की उसने, लेकिन माफी नहीं मांगी। चलता हूँ सर। ऑल इट बहुत जल्दी है, तेरा बेटे ने मेरे बेटे का स्कूल में वट कम कर दिया। एक काम कर, कल सुबह मेरा बेटा पूरे स्कूल के सामने तेरा बेटे का हाथ टांग तोड़ेगा। घबरा मत, हॉस्पिटल का बिल जीएसटी के साथ माय देगा। गोविंद एडवांस दे दे। रिचा तू बहुत लकी है कि सेठ तेरे को बल्लम पट्टी का पैसा दे रहा है, कल तेरे बेटे का हाथ पर तोड़ डालेगा। सोचता क्या रख ले बेटा। खजांची तेरी इस हरकत ने मुरझाए हुए पेड़ में पानी डाल दिया है। हा? क्या बोल रहे तू? कबूतरों, बरसों से म्यान में रखी हुई तलवार में भले ही जंग लग जाए, लेकिन अगर उस तलवार का वार शिकार पर पड़ जाए तो वो काट डालती है।
सहूलियां देके उसके औकात का अंदाजा नहीं लगाने का, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है, होलिया ही बदल डालता है। कल से अगर तू और तेरा छोकरा शहर में दिखाई दिए तो मैं बिल्कुल भी दया माया नहीं दिखाऊंगा। फाड़ डालूंगा। चानस दिया था और आज अपुन तेरे को खैरात में एक चानस देता है। आज तक तूने न जाने कितने बेगुनाह लोगों को पॉकेट में टपकाया है। इसकी भरपाई करने के लिए किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके अपनी नाक कान गुर्दा कलेजा फेफड़ा सब कुछ डोनेट कर डाल, नहीं तो काट डालूंगा। तू मुझे चानस देगा? आज ये केस ऐसे क्लोज होगा जैसे कभी ओपन ही नहीं हुआ था। विटनेस कोर्ट में गवाही नहीं देगा लेकिन भगवान के पास जरूर देगा, और उसके बाद नंबर आएगा तेरे बेटे। तोड़ ले, मारना। इतने बरसों में तुम हमको नहीं ना पहचाने। I'm a very, very bad man. If you are bad, I am your dad. विटनेस के डिटेल बताए बगैर विटनेस को कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता योर ऑनर। हमारी डिमांड है कि विटनेस के बारे में जानकारी दे। अगर उसका नाम बताया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है योर ऑनर। विटनेस ना पेश करने के कारण केस को सुबह तक मुलतवी किया जाता है, लेकिन कल विटनेस को हाजिर करना ही होगा। ये अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि कल विटनेस को प्रोटेक्शन के साथ अदालत में पेश किया जाए। डिपार्टमेंट आपके साथ है। कोर्ट डिसमिस। विटनेस अगर कोर्ट तक पहुंच गया तो तू जहन्नुम पहुंचेगा। उसे ढूंढने के लिए सिर्फ आज की ही रात बची है। आईपीएस होके तू उसे ढूंढ नहीं सका। ना लाए रे तू। यहाँ खड़े खड़े किससे बात कर रहे थे? नहीं, किसी से नहीं। बहुत मुश्किल से केस तैयार किया है। ऐसे में तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि पुलिस की इन्फॉर्मेशन बाहर लीक ना हो पाए। आप अभी तक खबरी का पता नहीं लगा सके सर? मैं कोशिश कर रहा हूँ मैडम, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। इतना मुश्किल भी नहीं है सर।
डॉ के दिन भर चाहे कहीं भी रहे, पर शाम होते ही वो सीधा अपने मालिक के पास पहुंचकर उसके तलवे चाटने लगता है, बिल्कुल वफादार खबरी की तरह। मैंने सुना है कि आज मारी कोर्ट आया था, हमें उससे मिलना चाहिए। किस मुंह से मिलेगा अपन? तुम्हारा तो दोस्त था ना? दोस्ती ने भाई कहा। केसरी घर पर है? हाँ है। हाँ बैठिए। अरे शनि, हाँ चांद किधर से निकला? कैसे तू? मैं एकदम मस्त हूँ, तू कैसे? अरे कट रही है, आजा। काली मारी का बेटा। जब सुना तू दुनिया में आया ना, तो तेरे से मिलने के लिए दिल बहुत मचला, पर तेरे बाबा की अपने पे हटी हुई थी इसलिए आया नहीं। क्यों हटी हुई थी बाबू की? फॉल्ट अब उनकी थी जो तेरे बाबा पे शक किया। पापा ने आपकी धुलाई नहीं की क्या? काश अपने को धोया होता उसने, पर मेरे को माफ करके चला गया यहाँ से। पर अपुन ने जो काम किया वो माफी लायक नहीं है, सजा मिलनी चाहिए। आपका नाम केसरी है ना अंकल? हाँ छोटे, तेरा बाबा मेरे को याद करता है क्या? हाँ हर रोज। क्या बोलते? बोल। केसरी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, पर एक गलत फहमी की वजह से हमारी दोस्ती टूट गई। केसरी भाई का घर यही है क्या? अंकल पापा आ गए। खाना खाया करे? हाँ पापा। गई एक ही बात को बर्तन की तरह मांझ ले लाए। अरे रो कहीं को रहा है? तेरे पे सेट नहीं होता है, भाभी क्या सोचेगी? मारे अपन इन्फॉर्मर नहीं है, पता है। इन्फॉर्मेशन दिया और तूने अपन केज का पर खोल डाली। मुझ पर शक करना बंद करो बीजा, मेरा कोई इन्फॉर्मर नहीं है, मेरे लिए बस तुम ही एक इन्फॉर्मर हो। वो जो जॉइंट सेक्रेटरी विजय है शायद उसने भेजा है। ज्यादा शान पट्टी मत कर, और अब तो मारी ने भी बोल दिया कि कोई दूसरा इन्फॉर्मर है। ए, डबल गेम खेल रहा है। तुम मुझे इन्फॉर्मेशन देते हो इसलिए मैं चुप हूँ, वरना मैं तुम्हें उठाकर जेल में डाल सकता हूँ, समझे? तुम्हारी इन्फॉर्मेशन की वजह से स्टेट में गुंडागर्दी कम हुई है, लेकिन तुम्हारी गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। ये इन्फॉर्मर है। ये भी तो हो सकता है ना कि वो कोई और हो, मुझसे बड़े लेवल का ऑफिसर हो सकता है। कैसे कह सकते हो कि मैं हूँ? मुझ पर शक मत करो। पता चले क्या कमिश्नर, तू ही इन्फॉर्मर है। ए, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू यहाँ क्या कर रहा है? पागलों की तरह दिन रात तुझे बचाने के लिए इन्फॉर्मर ढूंढता रहा। इन्फॉर्मर तो तू खुद है, फिर मुझे बेवकूफ क्यों बनाया? हाँ बनाया ताकि अपना पुराना केस क्लोज कर सकूं। अबे एसीबी, तुझसे एक काम तो ठीक से होता नहीं, तू अपन से सवाल पूछेगा? काय को इतना भड़बड़ा रहा है? अब
अंडे में से निकल फिर पर फड़फड़ा। अच्छा तो बेटा इस खेल का कोच तू है क्या? सच की मछली पकड़ने के लिए इन्फॉर्मर नाम का चारा फेंकना पड़ा। तेरी वजह से जेल में पत्थर तोड़ रहे थे। तुमने बुलाया था इसलिए मैं यहां आया। मुझे छबेले में नहीं पड़ना, मैं जा रहा हूं यहां से। चमचे को क्या पकड़ रहा है? गद्दारी का पतीला इधर है। दिमाग की खिड़की खुल गई। ये मारी का प्लान था। ये आप उनसे नहीं होएंगे। चलते हैं। तुम्हें कैसे पता कि बीजाई खबरी है? और संभालते ही अपन गुंडा लाइन में घुस गया मैडम। लिफाफा देख के आप उन खत का मजमून भांप लेता है। कमिश्नर का सपोर्ट मिलने से तो पीछे और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और जो लोग मेरा साथ दे रहे हैं वो पीछे हट जाएंगे। वो तुम्हारा सरदर्द है, आप उनका काम खलास। मारी मेरी बात सुनो, देखो इसमें तुम ही कुछ कर सकते हो। मम्मी की बात भूल गए क्या? अपनी खुशी के लिए किसी को दुख नहीं देना चाहिए। ये सब होता रहता और मैं चुपचाप बैठा रहता क्या? ये सुन देख कर मेरे अंदर का इंसान जाग गया। जिस तरह भगवान अपन के साथ है उस तरह अपन भी आपके साथ है। अपन जो बोलेगा वही करना। सबसे पहले बीजा के खिलाफ आपको एक जबरदस्त केस बनाना पड़ेगा। पर कैसा केस? वही ड्रग केस। बीजा के ड्रग स्मगलिंग केस में कुछ स्ट्रॉन्ग विटनेस मिले हैं। तुम्हारे खिलाफ केस रजिस्टर हो चुका है बीजा। उसको यकीन दिलाना पड़ेगा कि उसके खिलाफ कोई गवाही दे रहा है। उसका कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन मैं उसे ढूंढ लूंगा। आप तो कब ढूंढेगा उसे? जब वो कोर्ट पहुंच जाएगा। और उसको यकीन दिलाओ कि जो इन्फॉर्मर है वो उसके गैंग में ही मौजूद है। कोई आस्तीन का सांप आप उनको डसने के लिए भौतक रेला है। वो टेंशन में आके कमिश्नर पे शक करेगा और उसके बाद अपन उसका ताकड़ धिन्ना करेगा। झूठा केस करोगी? माना के केस झूठा है पर क्राइम सच्चे हैं। बस ये ध्यान रहे कि विटनेस की पहचान आखिर तक किसी को ना हो पाए। बाद में कह देंगे किसी वजह से विटनेस नहीं आ पाया। हम इतना तो कर ही सकते हैं। सर हमें बीजा के खिलाफ कुछ पुख्ता सबूत मिल गए हैं। हमें इस केस को फास्ट ट्रैक पर डालना होगा। खबरी कौन है? सर मुझे गलत मत समझिएगा, पर कोर्ट की हियरिंग होने तक खबरी को छुपाना सेफ रहेगा। वैसे ये खबरी आपका नहीं है। कोई बात नहीं। इन्फॉर्मर कौन है वो हमको पता है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए तुझे मारी तक पहुंचना पड़ेगा। विटनेस को अदालत में पेश करना ही होगा। सुबह तक विटनेस का पता लगा। तुम लोगों की जेल की टिकट किसने काटी मालूम? उस बीजा ने। वो जिंदा नहीं बचेगा। अच्छी डरूंगा उसे। चल गाड़ी निकाल। ठीक है भाई। डॉग ये दिन भर चाहे कहीं भी भटके पर शाम होते ही अपने बॉस के पास जाता है। क्या रे, तेरे को लगा फोन में लीडो खेल रहे हैं? चीटिंग भी किया तो कोई पकड़ेगा नहीं। अबे पकड़ेंगे भी और खींच के सुतैया भी करेंगे। अबे गुंडे की जायज औलाद। बहुत थाड़े आप उनका नेटवर्क। कमिश्नर भी अपना पाल हुए है। आप उन्हें मौत का सौदागर। Come on,
तेरे को भी लकड़ी नसीब नहीं होगी। शहर में अकाउंटेंट बनने आया था, लेकिन तेरी वजह से मुझे लोगों के अकाउंट बंद करने पड़े। उसी दिन तुझे और तेरे बेटे को मार देना था, लेकिन अब गलती नहीं होगी। पहले इसके भाई को मारा, फिर तेरी बीवी को टपकाया, और आज तुम दोनों की बारी है। ए, आपुन तेरी इतनी धुलाई करेगा कि तेरी पूरी बॉडी फ्रैक्चर हो जाएगी, प्लास्टर में तो एकदम पिरामिड लगेगा। अगर आप उनके जूते का सोल चाट के तू माफी मांगेगा ना, तो आप उन तेरे को माफ कर सकता है। लेकिन क्या है ना, तेरे अंदर माफी वाला कीड़ा नहीं है, तो चला जा। Thank you.
मिलेगा तेरे भुगले। गलत फहमी की वजह से तू अपन का दुश्मन बन गया, लेकिन असली दुश्मन तेरा भाई था जो प्रॉपर्टी के लिए तेरे को टपकाना चाहता था। गलत फहमी की दीवार अगर दिल में बन जाए तो उसको मोहब्बत के बुलडोजर से गिरा डालने का। सभी सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम पर लगाए गए सभी आरोप सच है। उसने अदालत को धोखा दिया है। आईपीसी 302 के तहत कोर्ट गंगाधर बीजा को 25 कत्ल करने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाती है। कोर्ट इज एडजर्न्ड। ए राजन, हद में रह। बीजा ने मेरे को अपने इलाके का वारिस बनाया है। फादर का राज है। क्या तेरे फादर का राज है? ये इलाका मेरा है भाई। इलाका अपन का, कानून अपन का, काट डालेगा। We'll be right back.